नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर चीन WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका का करेगा समर्थन। कोरोना पर देश के 54 जिलों के DM से संवाद में बोले PM मोदी, बच्चों और युवाओं के लिए करनी होगी आगे की तैयारी। सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग। देश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुसीबत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों से अपील, ब्लैक फंगस को घोषित करें महामारी। मोदी सरकार का विरोध करने के जिद में किसान आंदोलनकारी नेताओं ने गांव-गांव में फैलाया कोरोना महामारी, अब घटना स्थल पर भी दम तोड़ रहे हैं किसान आंदोलनकारी। म्यांमार में खराब होते हालत के बीच भारत में घुसे 6,000 शरणार्थी, UN समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वहां के हालात पर चिंता जताई। केरल हाईकोर्ट ने नई सरकार के शपथ ग्रहण को दी मंजूरी, लोगों की संख्या सीमित रखने का दिया निर्देश। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बोले, नवंबर के अंत तक सभी के टीकाकरण की है व्यवस्था। गंगा में मिले शवों को लेकर राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना, लिखा गंगा माँ की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। पश्चिम बंगाल में चुनाववाद हिंसा का मुकाबला करेगा संघ परिवार, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खड़े रहने का किया निर्णय। उधर कोरोना पर PM मोदी की बैठक के बाद ममता बनर्जी का आरोप, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, कठपुतली की तरह बैठे रहे मुख्यमंत्री। UP के विक्रूकांड में मुख्य आरोपी विपुल दुबे के खिलाफ चार्जशीट हुआ दाखिल, विपुल साइंस ग्रेजुएट है और ITBP में भी चयन हो चुका था। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना रिकवरी रेट 91.80% पहुंचा, कल किए गए टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 6725 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,50,000 से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग हुई। आजमगढ़ में फिलिस्तीनी झंडा लहराने की अपील करने वाला हुआ गिरफ्तार, सराय मीर थाने में आरोपी के खिलाफ FIR हुआ दर्ज। बिहार के पटना में अब 46 स्थानों पर मिलेगा सुबह शाम का भोजन, सरकार द्वारा खोले गए 27 नए कम्युनिटी किचन। लालू और तेजस्वी का विवादित बयान, लालू ने CM नीतीश को चुल्लू भर पानी में जाने की नसीहत दी तो तेजस्वी बोले, सामुदायिक रसोई में आदमी से अधिक गधे हैं, इन चारा चोरों को सामुदायिक किचन में खाना खाने वाले गरीब लोग गधा दिखता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील, स्टेरॉयड का अधिक सेवन ना करें लोग। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मेट्रो साइट धसी, ट्रैफिक पुलिस ने किया वाहन चालकों को अलर्ट। राजस्थान में RSS के रक्तदान शिविर में घुसे किसान आंदोलनकारी, माहौल हुआ तनावपूर्ण, दोनों तरफ से नारेबाजी की गई, भारी पुलिस बल है तैनात। उधर पंजाब सरकार पर बरसे सुखबीर बादल, कहा अपने ही मंत्रियों व विधायकों से घिरे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा के स्पीकर ने प्रदीप चौधरी की MLA की सदस्यता बहाल की, हरियाणा में फिर से हुई 30 कांग्रेसी विधायकों की संख्या। उधर किसान नेता गुरनाम चढ़नी का हिसार में ऐलान, 23 मई तक किसानों के मुकदमे रद्द नहीं हुए तो 24 को करेगा घेराव। उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश है जारी, भारी भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 58 हुआ बाधित। झारखंड में ई पास पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार, कहा ये सरकार का नीतिगत मामला है। PM मोदी की समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 5 कलेक्टर भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने DAP खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए PM मोदी का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, कोरोना संक्रमण के बढ़ने का बड़ा कारण सरकार और जनता की लापरवाही है। जम्मू कश्मीर के युवा गांधीवादियों ने लिखा PM मोदी को खुला पत्र, सुझाए कोरोना से लड़ने के उपाय। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत अस्थिर, कोरोना से है संक्रमित, चल रहा है इलाज। ओडिशा के आदिवासियों में कोरोना का प्रकोप बढ़ा, अब तक 35 संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में तौते तूफान की वजह से अरब सागर में 4 दिन पहले डूबे बार्ज P305 पर 37 की गई जान, 38 लोग अब भी है लापता, चौथे दिन भी जारी है जिंदगी बचाने के लिए जंग, सैकड़ों को नेवी ने किया रेस्क्यू।
गुजरात में भी तूफान तौते से हुआ है भारी नुकसान। मुख्यमंत्री रूपानी, चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा। पिछले महीने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब और राजस्थान के घटनाक्रम में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान में लगातार विधायकों की नाराजगी भी बढ़ रही है। हेल्थ विशेषज्ञों के अनुसार स्टीम फेशियल करने से बढ़ता है चेहरे का नेचुरल ग्लो। इससे न सिर्फ चेहरे पर ताजगी बनी रहती है, बल्कि चेहरे के भीतर मौजूद धूल मिट्टी भी स्टीम करने से बाहर निकल आते हैं। रेलवे मंत्रालय की कंपनी DFCCIL में 1074 रिक्त पदों पर हो रही है भर्ती। 23 जुलाई तक आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार DFCCIL.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग के बैटिंग कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी ने बताया कि कोरोना के कारण T20 वर्ल्ड कप भारत की जगह UAE में होना चाहिए। सलमान खान ने शेयर किया एक नंबर, कहा कोविड मरीज फ्री में ले सकते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।